दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में घर के अंदर नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नए दिन की शुरुआत के साथ ही आज का दिन घर वालों के लिए बेहद ही खास है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि गार्डन एरिया में घर के अंदर होने वाले नए टास्क का पूरी तरीके से सेटअप तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बीती रात को ही बिग बॉस ने ब्लाइंड्स ऑफ कर दी थी और गार्डन एरिया में नए टास्क के लिए सेटअप बनाया गया है। सबसे पहले अगर बात करें सेटअप की, तो आपको बता दें कि पूरे गार्डन एरिया में पेड़ ही पेड़ लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पूरा एकदम जंगल बना दिया गया है। हालांकि व्यवस्थित तरीके से लगाए हैं, जंगल की तरह तो नहीं कह सकते, किसी बगीचे की तरह कह सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया गया है, बाड़ बनाई गई है, पाथ बनाया गया है यानी कि रास्ता बनाया गया है, और एक बहुत ही सुंदर बगीचा सा लगा हुआ है गार्डन एरिया में। और अब अगर बात करें घर के अंदर होने वाले टास्क की, तो आपको बता दें कि हो सकता है कि आज मुनावर की कैप्टनसी का आखिरी दिन हो। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर नया कैप्टनसी का टास्क होने वाला है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर क्या मुनावर, फारूकी और आयशा की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से घर की कैप्टनसी हासिल कर पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर अब मनारा जो है मुनावर के अगेंस्ट हो चुकी है, मनारा को मुनावर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और ऐसे में गेम जो है आज वाकई काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। घर के सारे कंटेस्टेंट कैप्टनसी के लिए लड़ते झगड़ते दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि घर का जो माहौल है अब वो पहले की तरह नहीं रहा, जहां पर घर वाले एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। अब सबको अपने लिए, खुद के लिए लड़ने की ज़रूरत है, और ऐसे में गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि घर का नया कप्तान कौन सा सदस्य बनता है। आपके अनुसार मुनावर के अलावा घर का कौन सा कंटेस्टेंट घर का नया कैप्टन बनना चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।